चलिए, नमस्कार मित्रों। आज मुझे लगा, हमने देखा कि जो लोग एस्टेट की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए एक प्रश्न का जो आधार होता है, तो बिहार माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2011 में जो विभिन्न प्रश्न पूछे गए थे, किस प्रकार के प्रश्न रहते हैं, कितने प्रश्न रहते हैं, इनको देखने के लिए आज मैंने केमिस्ट्री का प्रश्नों का चयन किया और वह प्रश्न मैं आप लोगों के पास लेके आया हूं। तो चलिए, बहुत कम समय में हम लोग इसको देखते हैं। तो पहला है, निम्नलिखित में कौन सा तत्व है? कैल्शियम कार्बोनेट, चीनी, सोडियम, मिट्टी, इसमें तत्व कौन सा है? ठीक है, तो इसमें देखना है कि कैल्शियम कार्बोनेट, चीनी, सोडियम कार्बोनेट, मिट्टी, तो इसमें तत्व जो है वो क्या है? सोडियम। सोडियम जो है वह एक तत्व है। सोडियम क्या है? एक तत्व है। दूसरा, परमाणु त्रिज्या को मापा जाता है। परमाणु त्रिज्या को मापा जाता है, तो परमाणु त्रिज्या को किस चीज से मापा जाता है? नैनोमीटर से। किस चीज से मापा जाता है? नैनोमीटर से। सोडियम का परमाणु भार होता है 16, 24, 27, 32। सोडियम का परमाणु भार जो होता है, जैसा आप जानते हैं, कितना होता है? 23। सोडियम का परमाणु भार कितना होता है? 23 होता है। हाइड्रोजन के समस्थानिक की संख्या होती है, हाइड्रोजन आपने पढ़ा होगा आइसोटॉप, आइसोबार, तो हाइड्रोजन के समस्थानिक की संख्या कितनी होती है? 1, 2, 3, 4। हाइड्रोजन के समस्थानिक की संख्या कितनी होती है? 3। निम्नलिखित में कौन उपधातु है? हाइड्रोजन, कार्बन, 3, सिलिकन। इसमें निम्नलिखित में कौन सा उपधातु है? तो इसमें सिलिकन, सिलिकन जो है वह एक उपधातु है। सिलिकन क्या है? एक उपधातु है। निम्नलिखित में कौन कोलाइड नहीं है? आपने नीलंबर कोलाइड पढ़ा होगा, तो कोहरा, दूध, पानी, कीचड़, इसमें कोलाइड का उदाहरण नहीं है। तो पानी जो है वह कोलाइड का उदाहरण नहीं है। पानी जो है वह कोलाइड का उदाहरण नहीं है। इसी तरह के प्रश्न 2011 में रसायन शास्त्र से लिए गए थे। अब आप अपना भी तैयारी करें कि संभावित एस्टेट में इसी प्रकार के प्रश्न आएंगे। क्वेश्चन नंबर 7, किस विधि द्वारा लोहे को जंग लगने से बचाया जा सकता है? लोहा में जो जंग लगता है उसको किस विधि के द्वारा बचाया जा सकता है? ग्रीस के लेपन के द्वारा, रंगाई करके, गैल्वनीकरण द्वारा, इनमें से कोई नहीं। कोई नहीं, नहीं, इनमें से सभी। तो लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए क्या इनमें से सभी? ग्रीस के लेपन के द्वारा, रंगाई कर और गैल्वनीकरण करके बचा सकते हैं। अब प्राकृतिक गैस हैं CNG, CNO, CNS, CON। प्राकृतिक गैस कौन है? तो CNG जो है वो प्राकृतिक गैस है। सूखा बर्फ कहलाता है, सूखा बर्फ कहलाता है CO2, O2, N2, H2। सूखा बर्फ कहलाता है ठोस CO2। सूखा बर्फ को हम क्या कहते हैं? ठोस CO2 कहते हैं।
निकेल के ऑक्सीकरण की संख्या है एनआई ऑल सीओ फोर 1302 जीरो। कैसी टेराइट आवश्यक है एमएन का एनआई का एसबी का एसएन का एसएन का निम्नलिखित में किसमें द्विआघूर्ण ज्यादा है CH3Cl CH2Cl2 CHCl3 CCl4 तो CH3Cl में द्विआघूर्ण ज्यादा है द्विआघूर्ण ज्यादा है। एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से प्राप्त है एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से प्राप्त है एसिटिक एसिड एसीटोन एस्टर एल्कोहल एसिटिक एसिड। मास्टर्ड गैस का सूत्र है RHS ऑल सीएल CH2 CH2 ऑल 2S। मास्टर गैस का इसमें से कौन सा सूत्र है दूसरा। प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है ब्यूटाडाइन एथीन स्टायरीन आइसोप्रीन। तो प्राकृतिक रबड़ आइसोप्रीन का बहुलक है प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है आइसोप्रीन का बहुलक है। मालाकाइट अयस्क है किसका लोहे का तांबा का पारा का जस्ता का। तो मालाकाइट अयस्क है किसका तांबा का। निम्नलिखित में सबसे अधिक आधातुय गुण वाला होता है NCl PSi आधातुय गुण वाला Cl होता है। सबसे अधिक भास्मिक ऑक्साइड है K2O B2O3 SO2 NO2 तो K2O K2O सबसे अधिक भास्मिक ऑक्साइड है। मैग्नीशियम आवर्त सारणी के किस वर्ग में है वर्ग पहला दूसरा तीसरा वर्ग 12 मैग्नीशियम ऑक्साइड मैग्नीशियम आवर्त सारणी के दूसरे वर्ग में। अष्टक नियम के प्रतिपादक थे डाल्टन डॉबेरानर मेंडलीफ न्यूलैंड। हम लोग वैसे सुने भी होंगे न्यूलैंड का अष्टक नियम। निम्नलिखित में पीतल किसका उदाहरण है धातु या धातु मिश्र धातु जौगिक। तो पीतल मिश्र धातु का उदाहरण है पीतल जो है वो मिश्र धातु का उदाहरण है। सल्फर ऑक्साइड है सल्फर ऑक्साइड है ऑक्सीकरण अवकारक एक और दो इनमें से कोई नहीं ये और बी दोनों। कॉपर सल्फेट का रंग होता है काला नीला हरा पीला। कॉपर सल्फेट का रंग क्या होता है नीला होता है जैसा हम लोग जानते हैं। चूना जल में CO2 गैस प्रवाहित करने पर चूल्हा जल का रंग हो जाता है कैसा हो जाता है दूधिया हो जाता है कैसा हो जाता है दूधिया हो जाता है। अवकारक हम लोग ऑक्सीकारक अवकारक पढ़े हैं तो अवकारक जो है इलेक्ट्रॉन को त्याग करते हैं इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं उत्प्रेरक जैसा कार्य करते हैं इनमें से कोई नहीं। इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं इलेक्ट्रॉन का क्या करते हैं त्याग करता है। निम्नलिखित में से जौगिक HCl से प्रतिक्रिया कर CO2 देता है कौन देता है Na2CO3 Na2SO4 Na2S NaCl Na2SCO3। निम्नलिखित में कौन रासायनिक परिवर्तन नहीं है आपने भौतिक और परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन पढ़ा होगा
तो निम्नलिखित में कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? लोहे में जंग लगना, जल में से बर्फ का बनना, मोमबत्ती का जलना, भोजन का पचना। जल से बर्फ का बनना या एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है। ऊर्ध्वा पातन पदार्थ है चीनी, नौसाद, नमक, तूतिया। नौसादर। द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? डाल्टन, लेबोइसियर, मेंडल, लमार्क। डाल्टन ने परमाणु संरक्षण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। परमाणु द्रव्यमान की इकाई मानी जाती है कार्बन को, ऑक्सीजन को, नाइट्रोजन का, हाइड्रोजन को। तो कार्बन को परमाणु द्रव्यमान की इकाई माना जाता है। जल से एक मोल में है, एक मोल बराबर, वैसे आप लोग जानते होंगे, जल से एक मोल में है 6.022 × 10²³, 5.023 × 10²² 3.026 × 10²², 9.023 × 10²³ 19। तो 6.022 × 10¹, और एक मोल बराबर कितना होता है? एक मोल कितना? 6.023 × 10²³ एक मोल। इसको एवोगाड्रोस नंबर भी बोला जाता है। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? सोडियम क्या होगा? 2, 8, 11। ठीक है, 2, 8, 1। ये सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, 8, 2, 10, 1। एक तत्व के समस्थानिक में होते हैं सामान्य भौतिक गुण, विभिन्न रासायनिक गुण, भिन्न न्यूट्रॉन संख्या, भिन्न परमाणु संख्या, भिन्न न्यूट्रॉन की संख्या। न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है समस्थानिक में। Cl आयन में संयोजकता इलेक्ट्रॉन संख्या है कितना है? 16, 8, 7, 11, 7। किसी परमाणु का पूरा भार होता है केंद्रक में, कक्ष में, केंद्रक के बाहर, इनमें से कोई नहीं। केंद्रक में किसी परमाणु का पूरा भार केंद्रक में होता है। प्रोटॉन में रहता है ऋण आवेश, धन आवेश, कोई आवेश नहीं, ऋण तथा दोनों। तो आप जानते हैं प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। प्रोटॉन में पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव, और इसमें कुछ नहीं, धनात्मक, ऋणात्मक, इसमें कुछ नहीं, यह उदासीन होता है। ठीक है, तो प्रोटॉन में क्या आवेश, कौन सा आवेश रहता है? धन आवेश रहता है। ठीक है, एसिटिलीन नेक्स्ट देखते हैं। एसिटिलीन में कार्बन परमाणु की प्रकृति होती है क्या होती है? एसपी। कार्बन में चारों संयोजकताएं होती है समान या समान विपरीत स्वभाव की, इनमें से कोई नहीं, समान होती है। विटामिन ए कहलाता है एस्कार्बिक एसिड, रेटिनॉल, कैलिस्फिरॉल, टॉकोफिरॉल। विटामिन ए क्या कहलाता है? रेटिनॉल।
निम्न में कौन, अगला प्रश्न हम देखते हैं, निम्न में कौन सा विद्युत का सुचालक है, सुचालक निम्नलिखित में कौन सा विद्युत का सुचालक, गंधक, प्लास्टिक, आयोडीन, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट जो है विद्युत का सुचालक है, ग्रेफाइट जो है वह विद्युत का सुचालक है। किस धातु पर वायु का प्रभाव नहीं पड़ता है, सोना, सोडियम, लोहा, तांबा, किस धातु पर सोना, किस धातु को किरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है, MgNaHgCu, सोडियम को किरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है, मैग्नीशियम को नहीं, तांबा को नहीं, बॉक्साइट किस तत्व के आयसक हैं, MgAlNaBaAl, इस्पात है धातु, अधातु, मिश्र धातु, इनमें से सभी मिश्र धातु, दहन के लिए आवश्यक है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन, इनमें से सभी ऑक्सीजन, किसी पदार्थ को जलने के लिए किस चीज की आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन ना मिले तो वह पदार्थ नहीं जल सकता, इसलिए दहन के लिए ऑक्सीजन बहुत आवश्यक होता है। जंग लगने की क्रिया है ऑक्सीकरण, अवकरण, ऑक्सीकरण एवं अवकरण, इनमें से कोई नहीं, ऑक्सीकरण। साबुन का घोल चिकना होता है क्योंकि वह क्षारीय अम्लीय, अम्लीय और क्षारीय दोनों होता है, इनमें से कोई नहीं, साबुन का घोल क्षारीय होता है। समुद्र का पानी नमकीन होता है पोटेशियम क्लोराइड के कारण, सोडियम क्लोराइड के कारण, मैग्नीशियम क्लोराइड के कारण, इनमें से कोई नहीं, तो सोडियम क्लोराइड के कारण होता है। नींबू के रस में होता है, रहता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, साइट्रिक एसिड, गंधक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल। जल को, जल के उबलने का ताप समय, ताप दाब पर है 80 डिग्री सेंटीग्रेड, 50 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 120 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल जो है वो उबलने लगता है। तो आपने देखा, हम लोगों ने देखा कि 2011 में बिहार माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में जो प्रश्न पूछे गए हैं और रसायन शास्त्र के जो प्रश्न थे, उन प्रश्नों को देखा कि बहुत अच्छे प्रश्न थे और उसको हम लोगों ने देखा और इसी आधार को मानकर हम लोगों को तैयारी करनी चाहिए और हम तैयार करें और हम बेहतर बेहतर से बेहतर अंक प्राप्त करते हैं करें, यही शुभकामना आप लोगों के साथ रहेगा। चलिए अब नेक्स्ट लाइव क्लास में मैं आप लोगों से मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद, ओके, बाय।